शिक्षा विभाग के रवैये से बिहार के शिक्षक काफी ज्यादा नाराज हैं और शिक्षक संघ ने सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर में देरी को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पटना में टेट और एसटेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने बैठक के बाद आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा अक्टूबर के पहले सप्ताह से शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। शिक्षक नेताओं ने कहा कमेटी की रिपोर्ट का खेल खेला जा रहा है और 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि बीपीएससी शिक्षक भी ऐच्छिक स्थानांतरण के इंतजार में हैं। शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 सितंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं होती है तो अक्टूबर में सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी पास शिक्षकों के ट्रांसफर में देरी की वजह से अब शिक्षक संघ आक्रोशित हो गए हैं और शिक्षक संघ ने साफ तौर से अब बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने राजधानी पटना में बड़ी बैठक की है और अब साफ तौर से सरकार को चेतावनी दी गई है कि अक्टूबर में अब बड़ा आंदोलन होगा और शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है और हमने सरकार को पूरी तरह से यह कहा है कि अगर आप 15 दिन के अंदर में हमारा पोस्टिंग नहीं करते हैं और हमें वित्तीय लाभ नहीं देते हैं तो फिर हम संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। और इसके लिए आज मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 28 सितंबर को हम जिला मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह करेंगे। उसकी तैयारी के लिए 22 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में हमारी जो है प्रखंड कमेटी की बैठक होगी उसकी तैयारी के लिए, और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर अक्टूबर के प्रथम वीक में 6 अक्टूबर के आसपास हम पटना में चढ़ाई करेंगे, महासम्मेलन या महाप्रदर्शन भी होगा और सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सरकार हमारे साथ जो धोखाधड़ी कर रही है, पूरे बिहार को यह बता दिया कि बिहार के शिक्षक सक्षमता पास कर गए, वो राजकर्मी हो गए, लेकिन हमें राजकर्मी का फुट्टी कौड़ी अभी तक नहीं मिला। भरोसा नहीं रहा है। कारण ये है कि कमेटी जब बनी थी तो सरकार ने बड़े स्तर पर प्रचारित किया था कि 15 दिनों के अंदर हम इसका रिपोर्ट जारी करेंगे और शिक्षकों को इसका खुशखबरी मिलेगा, लेकिन चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, सारे लोग परेशान हैं। आज सबको जो नियोजित शिक्षक हैं, जो दूसरे जिले में पदस्थापित थे, सरकार के सक्षमता के फैसले को उन्होंने हाथों हाथ लिया, इसलिए वो अपने घर आ जाएं। ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग हो रही है आप लोगों की। बिल्कुल, और बीपीएससी शिक्षकों का भी ऐच्छिक स्थानांतरण हो और जो हमारे शिक्षक साथी दूसरे जिलों में नियोजित थे और सक्षमता के माध्यम से अपने जिले में आ गए हैं उनका भी अविलंब पोस्टिंग किया जाए। यानी रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है उसी तिथि से हमें राजकर्मी का घोषित किया जाए और सारे वित्तीय लाभ दिए जाए। आप ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जब तक करना है करते रहिए, लेकिन हमें उस तिथि से राजकर्मी घोषित करते हुए हमें सारे लाभ, वित्तीय लाभ सहित सारे लाभ दे दिए जाए। से सांकेतिक रूप से ये लोग आंदोलन शुरू कर देंगे, सत्याग्रह आंदोलन, और 30 सितंबर तक राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर सरकार जो है सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों की एक तरह से पोस्टिंग नहीं करती है, ऐच्छिक स्थानांतरण जो बीपीएससी वाले हैं उनका नहीं होता है, तो हम लोग अक्टूबर में यानी पहले सप्ताह में ही सड़क पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और राजधानी पटना में महासम्मेलन भी करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।